पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन के नायब सरबराह इसमें सेहत वाले सूबाई वजीर तरफा लखे बारन के कोरोना का बचाव की वैक्सीन लेने वाली मुहिम जो आगाज किए हुए पाकिस्तान में कायम अमरीकी मिशन के नायब सरबराह एंड्रे शोफर इसमें सेहत की वजीर डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ अमरीकी सरकार तरफा एंड्रे शोफर इसमें सेहत की वजीर डॉक्टर अजरा फजल पेचुओ अमरीकी सरकार तरफा पाकिस्तानी अवाम लाए अतियो कयल कोरोना वैक्सीन डोज दई बार कोरोना का बचाव की वैक्सीन देने वाली मुहिम जो इफ्तिताह कर मुहिम के पहले मरहल में 5 से 11 साल ताई के उम्र के बारन के कोरोना वैक्सीन जा 1,60,00,000 डोज दिना वा आर्मी तरक्की बाबत अमरीकी एजेंसी यूएसएड तरफा मुहिम हलाने ला 2 करोड़ डॉलर जारी कराया पाया वन मुहिम दौरान 8 जिलों में अटकल 5 लाख डोज दिना वा 25 लाख बार कोरोना का बचाव की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई वी उन मौके से तकरीब में गलाईदे अमरीकी मिशन के नायब सरबराह शोफर सिंध में 95% मान के मुकम्मल तौर वैक्सीन मिलने से तमाम घनी खुशी थी है जैमें 12 साल ए उनखा वधीक उम्र जा बार शामिल हैं। गिरद अमरीकी हुकूमत तरफा पाकिस्तानी अवाम लाए अतियो कयल वैक्सीन 5 से 11 साल की उम्र के बार दिनी पी वे इनजो चवण है अमरीकी हुकूमत यूएस एड जरिए सिंध में वबाई बीमारियों की निगरानी तौर रोकथाम लाए कायम सूबाई यूनिट से गरजी कम कर रही है तो जी कोरोना के आर्मी वबा के मुंह दियण लाए जिले सतह से कायम 30 नवन सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स यूनिट्स के सूबा यूनिट्स से गंढे सकते इफ्तदारी तकरीब में सेहत खाते के सेक्रेटरी जुल्फकार शाह सेहत खाते के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद जुम्मन बाहूटो एबिन लगापल अमलदार शिरकत कई। शादी लाश में एलबीओटी के कट